वेरी गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू एस आर वी अकेडमी. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सब्जेक्ट साइंस क्लास फिफ्थ. दिस इज़ अवर थर्ड चैप्टर एंड ऑल्सो अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो अवर चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन. सो इन अवर अर्लियर वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द नर्वस सिस्टम. Parts of nervous system, I have told you, there are three parts of nervous system. One is brain, another one is spinal cord, and the third one is nerve. So, I have already discussed with you our first part, that is brain. Brain means, is the most important organ of nervous system, controls everything. It located inside the skull and its function is that it receive information from the nerves and send signals so that action can be taken. Okay, so brain work is receive information, process information, and then send information. Then there are also, brains are divided into three parts. One is cerebrum, another one is cerebellum, and third one is brain stem. Cerebrum is present on upper part, okay, and cerebellum is present in lower part of the brain, and brain stem is like a stem that is also known as medulla oblongata. So these three things we have already discussed in our earlier video. Our function of the cerebrum means controls the working of sense organs, and the function of the cerebellum is that maintains the balance and posture of our body, and brain stem kya karta hai, it is responsible for basic vital life functions such as breathing, digestion. Means hamara jo basic systems hote hain like breathing, digestion control, blood pressure, heartbeat, in sabko control karne ka kaam hamara brain stem karta hai. So these all the things I have discussed with you in earlier video. So today I am just going with you our next topic, and that is spinal cord. So look on your book, spinal cord. Okay, what I'm going to discuss with you is spinal cord. The nerves enclosed in vertebral column. You are in your earlier chapter, you read about this. You have read about this vertebral column, and you know what you understand by the vertebral column means our backbone. It is also called spine. And why it is called vertebral column? Because our spine or backbone is made up by a one column, that is called vertebra. एक कॉलम जो होता है उसका वर्टिब्रा कहलाता है, और ऐसे ऐसे 33 कॉलम्स मिलकर के पूरी बैकबोन बनाते हैं जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम्स या स्पाइन या बैकबोन कहते हैं. तो द नर्व्स एनक्लोज्ड इन, जो नर्व्स होती हैं वो एनक्लोज मीन्स कवर होती हैं वर्टिब्रल कॉलम्स फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है ना, यानी जो नर्व्स होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर बंद होती हैं. इट हैज़ द सेम कंपोजिशन दैट ऑफ ब्रेन. ब्रेन की तरह इसका भी कंपोजिशन होता है. द नर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. मीन्स जो जितनी भी नर्व्स होती हैं उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारी बैकबोन या स्पाइनल को, वो स्पाइन या हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो क्या करती है, नर्व्स को प्रोटेक्शन देती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन डाउन थ्रू द स्पाइन. कहाँ को फैलती है? लोअर पार्ट हमारा क्या है ब्रेन का? लोअर पार्ट हमारा सेरिब्लम है. ठीक है, तो सेरिब्लम यानी लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से नीचे की तरफ जो हमारी होती है स्पाइन, पूरी नीचे तक जो फैली होती है वो हमारी स्पाइन होती है, यानी हमारी बैकबोन होती है, जो कि किससे अटैच रहती है? ऊपर हमारी ब्रेन स्टेम से. इन दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी कहाँ पर अटैच होती है, इन ब्रेन स्टैम. मीन्स ये दिस वन इज ब्रेन स्टैम. इससे हमारी बैकबोन पूरी अटैच होती है नीचे की तरफ इस तरीके से, और ये नीचे लोअर जो ब्रेन होता है इससे अटैच होकर के नीचे की तरफ आती है. इसमें ऐसे छोटे 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 ये आप यू कैन सी दिस ना, स्मॉल स्मॉल कॉलम्स आर देयर. दीज स्मॉल कॉलम्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा. एंड टोटल दिस पिक्चर यू आर सीन हेयर, यू आर सीइंग हेयर, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है हमारी. तो डू यू अंडरस्टैंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो कि नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है. इसके अंदर सारी नर्व्स बंद होती हैं, और ये भी किससे जुड़ी रहती है? हमारे लोअर ब्रेन मीन सेरिब्लम से और ब्रेन स्टैम से जुड़ करके नीचे की तरफ आती है, जो कि सारी नर्व्स को प्रोटेक्शन देती है. मीन्स नर्व्स को एनक्लोज करके नर्व्स को प्रोटेक्शन देती हैं. ठीक है ना, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. हियर द फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो वॉट इज़ द फंक्शन? इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड नर्व सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है. नर्व सिग्नल्स, इन्फॉर्मेशन इन नर्व सिग्नल्स, जो नर्व्स के द्वारा सिग्नल्स आते हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? जैसे हम कुछ चीज़ हमने देखा, इफ़ वी आर सीइंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आईज, सो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दिस, व्हाट इज दिस थिंग? आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये चीज़ आखिर है क्या? तो क्या होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो यही काम करती हैं. नर्व्स सिग्नल्स भेजती हैं कुछ कहाँ, ब्रेन तक, और ब्रेन वो सिग्नल्स हमारी आईज तक या बॉडी के अदर पार्ट्स में भेजेंगे, जिससे हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हम किसी चीज़ को टच करें तो फील कर सकते हैं, या हम किसी स्मेल को लेंगे तो उसको फील करके बता सकते हैं कि स्मेल अच्छी है, दिस इज़ गुड और बैड स्मेल, ठीक है ना. तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नर्व सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स है तो वही सेम चीज़. रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स अगर हम कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमको जैसे ही वो गर्म फील होता है हम तुरंत अपना हाथ बैक कर लेते हैं. अगर कोई हमारे हाथ में कोई पेन या स्विच उबाता है तो हमको फील होता है कि कोई चीज़ हमको पैनिक हमारे हैंड में फील हुई है. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तुरंत हाथ हटा लेना, तुरंत फील करना, ये कैसे होता है, दिस इज़ ऑल्सो डन बाय दिस नर्व सिग्नल्स और बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना. तो ये जो फंक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही, बाय द स्पाइनल कॉर्ड दिस ऑल द फंक्शन हैज डन. एग्जाम्पल, रिमूविंग ऑफ योर हैंड, रिमूविंग ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट. वही आई जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी दिस थिंग, कि जैसे ही हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तुरंत अपने हाथ को बैक कर लेना, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो इज़ इट क्लियर दैट वॉट इज़ द फंक्शन, वॉट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड? एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इज़ अटैच विद अवर लोअर ब्रेन और विद द ब्रेन स्टेम. इट जस्ट कम ऑन द डाउन पोर्शन, है ना, और वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर के बनी होती है. मीन्स हमारी बैकबोन में ये सेफ होती है ये, और हमारे नर्व को प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है. सो स्पाइनल कॉर्ड हो गई हमारी जो. देन हेयर अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नर्व्स. वी विल स्टडी हेयर अबाउट द नर्व्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नर्व्स? अब आती है नर्व. नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन एंड देन बैक टू बॉडी. नर्व्स क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल्स को हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन, बॉडी के सारे पार्ट्स से ब्रेन में ले जाती है और ब्रेन से बॉडी के सारे पार्ट्स में वापस लेने का काम करती हैं. समटाइम्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन, ठीक है. कभी कभी जो रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस और दीज थिंग ना, कि जो रिफ्लेक्शन एक्शन का काम होता है वो क्या, ब्रेन की बजाय किससे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है. हम किसी बॉडी को कि सडन हमारे हमको हॉट या कोल्ड फील होने पर हाथ को पीछे खींचना, ये सब किसके थ्रू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, नॉट थ्रू द ब्रेन. एक्चुअली ब्रेन के थ्रू क्या, सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को स्मेल करना. तो कभी कभी नर्व्स का तो वर्क एवरीवेयर सेम. नर्व्स क्या करती हैं, कैरिंग द इन्फॉर्मेशन और सिग्नल्स को कैरी करती है, ब्रेन तक भेजती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं. पर अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्क करते हैं. नाउ देयर आर नर्व्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज सेंसरी नर्व्स, अनदर वन इज मोटर नर्व्स, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व्स. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद यू हियर सेंसरी नर्व्स. सेंसरी, आपको ऑलरेडी इट्स नेम यू टोल्ड यू सेंस. दे कैरी मैसेज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल. ये क्या करते हैं, बॉस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से सिग्नल्स को ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं. अब मोटर नर्व क्या करेगी, दीज नर्व्स कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स वेयर द एक्शन हैज. ये क्या करेंगी फिर, मोटर नर्व्स क्या काम करती हैं कि फिर मैसेज को हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कहाँ ले जाती हैं, मसल्स में ले जाती हैं, जहाँ पर हमारा एक्शन होता है, हाथ को तुरंत पीछे करना, हटा लेना, या किसी चीज़ को देख कर के डर जाना, जो भी हम मतलब हमारा वर्क होता है वो क्या होता है कि फिर ये मैसेज हमारे ब्रेन से मसल्स तक पहुँचते हैं और फिर एक्शन होता है. मिक्स्ड नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी आउट बोथ ऑफ द फंक्शन. मिक्स है तो मीन्स दोनों ही काम करते हैं. दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रिंग दैम बैक टू द ब्रेन. ये क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक भी ले जाते हैं और बॉडी से वापस ब्रेन तक भी भेजते हैं. जो मिक्स नर्व्स होती हैं वो दोनों ही वर्क करते हैं. डू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हेयर टुडे विद यू? वन इज स्पाइनल कॉर्ड आई हैव डिस्कस्ड विद यू हेयर, ठीक है ना. स्पाइनल कॉर्ड क्या हुआ, द नर्व्स एनक्लोज इन
वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स द स्पाइन, ऐसी नर्व्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ढकी हुई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद रहती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती हैं. ठीक है, इट हैज़ द सेम. ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड आप समझ गए, जो कि वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी बैकबोन के अंदर बंद जो हमारी नर्व्स होती हैं, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आई हैव टोल्ड यू क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाएंगी और दूसरी बॉडी तक लेके जाएंगी और कंट्रोल करेगी. इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो. देन अवर नेक्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस्ड हियर विद यू, दैट इज़ नर्व. नर्व ऑल्सो कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी. फंक्शन इन्फॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक ले जाएंगी, ब्रेन से बॉडी तक लेकर आएंगी. ठीक है, उसके बाद नर्व्स हमारी डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स में, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स. सो सेंसरी क्या करेगी, कैरी द मैसेज फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स टू द ब्रेन. और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस को ब्रेन तक भेजेंगी और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगी. जो मोटर है वो क्या करेगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर के मसल्स में ले जाएगी, जिससे एक्शन होगा. और जो मिक्स नर्व है वो बहुत काम करेंगी, वो क्या करेंगी, मैसेज को ब्रेन तक भी ले जाती हैं और ब्रेन से वापस बॉडी के पार्ट्स में भी लेके आती हैं. तो टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन अवर अनदर वीडियो. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली, लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.